फिर से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर आते हैं। पानी बड़ा अजीब मटेरियल है पूरे यूनिवर्स में। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, काफी सारी इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकियों से मेल नहीं खाती। एक आपके पास आयरन का पीस है, 1 kg आयरन। टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इसे हीट दी, कितनी हीट दी आपने? आपने इसे हीट दी कितनी? 450 जूल, जो कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा? अब इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो जाना है। आपने फिर इसे हीट दी, एक बार फिर आपने इसे हीट दी, कितनी हीट दी आपने इसे? आपने फिर से इसे हीट दे दी 450 जूल। तो अब क्या बनेगा? अब इसका जो टेम्परेचर है बढ़ करके कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हर बार जब भी आप इसे 450 जूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये बढ़ करके कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वाटर फिर से इसमें अलग बिहेवियर शो करता है। क्या आपके पास वाटर है? कितना वाटर है आपके पास? एग्जैक्टली 1 kg। 1 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इसे हीट दी, कितनी हीट दी आपने? 4186 जूल आपने हीट दे दी। मैं कुछ गलत बता रहा हूं आपको, अभी उसको करेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो? 21 डिग्री सेल्सियस। गलत बता रहा हूं लेकिन अभी करेक्ट कर दूंगा। फिर आपने क्या किया? फिर आपने इसे हीट दी, कितनी? 4186 जूल हीट दे दी। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर हो जाएगा कितना? इसका टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता वाटर के केस में, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। आप ध्यान दीजिए, यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। आपने फर्दर इसको 450 जूल हीट एनर्जी दे दी, 22 से बढ़कर के टेम्परेचर 23 हो जाएगा। जब जब आप 450 जूल ऑफ हीट एनर्जी देंगे आयरन के 1 किलोग्राम को, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाएगा। लेकिन वाटर वाटर के केस में ऐसा नहीं है। तो फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट हम कैसे डिफाइन करें? हम कैसे, हमने अभी कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4186 जूल, जबकि ऐसा हो ही नहीं रहा कि 4186 जूल देने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो रहा। फिर से समझिए आप बात को। अगर आपके पास वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या है? वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कहां? वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। और आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसे दिया? इसे अमाउंट ऑफ हीट दिया आपने H1। उसके बाद आपने, आपके पास फिर से वाटर है, उतना ही वाटर जितना ये आपने लिया हुआ, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितना भी है, उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर आप इसे पहुंचाना चाहते हैं कितने पर? 26 डिग्री सेल्सियस पर। इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं। आपने अमाउंट ऑफ हीट दिया कितना? H2। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग H1 और H2 आपके इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहां भी 1 डिग्री आपने राइज किया टेम्परेचर का और यहां भी 1 डिग्री राइज किया है। ऐसा नहीं है वाटर के केस में, ऐसा नहीं है। वाटर के बिहेवियर बहुत एनोमिलस है, बहुत डिफरेंट है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बदलती रहती है। ठीक है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज लेते हैं। क्या आपका वाटर है 14.5 डिग्री सेल्सियस? क्या है आपका? 1 kg वाटर, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कितना? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया इसका 1 kg वाटर का टेम्परेचर। तो अब जो आपको अमाउंट ऑफ हीट यहां देना पड़ेगा,
जो अमाउंट ऑफ हीट आपको यहां देना पड़ेगा, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज 4186 जूल, विच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर पानी आपका 14.5 से नीचे टेम्परेचर पर है तो एक डिग्री बढ़ाने के लिए 4186 से कुछ अलग हीट देनी पड़ेगी। टेम्परेचर अगर आपका पानी का 15.5 से ऊपर है तो फिर वहां से 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको हीट 4186 से कुछ अलग देनी पड़ेगी। कितनी अलग देनी पड़ती है उसका एक ग्राफ है, उसका एक ग्राफ है। क्या है ग्राफ इसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये क्या है? टेम्परेचर। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या लिया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 14.5 और 15.5 के बीच में कौन सा टेम्परेचर?